सभी माइथोलॉजीज की तरह इजिप्शियन माइथोलॉजी भी फुल ऑफ डेटीज एंड मिथ्स है, और आज हम इजिप्शियन माइथोलॉजी के ही एक डेटी अनुबिस द गॉड ऑफ डेट के मिथ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अनुबिस को इजिप्शियन माइथोलॉजी में गॉड ऑफ डेट या इजिप्शियन गॉड ऑफ ममिफिकेशन के नाम से जाना जाता है, जो कि इजिप्ट के वन ऑफ द ओल्डेस्ट गॉड थे। इजिप्शियन माइथोलॉजी के मुताबिक इजिप्शियन गॉड अनुबिस का मेन मिशन डेड स्पिरिट्स को अंडरवर्ल्ड में ले जाना था, जिस कारण इन्हें डेथ और आफ्टर लाइफ से जोड़ा जाता था और एक दूसरे टाइटल गार्डन ऑफ द टॉम्स भी कहकर पुकारा जाता था। अनुबिस दिखने में सियार से सिर और पूंछ वाले आदमी जैसे मस्कुलर शरीर वाले काले रंग के डेटी हैं। इनका काला रंग सियार के रंग को नहीं बल्कि नाइल रिवर की फर्टाइल सॉइल या फिर रीजनरेशन ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। अनुबिस के बारे में वैसे तो बहुत से मिथ्स हैं, पर अनुबिस के बर्थ का मिथ सबसे ज्यादा पॉपुलर है। उनके इस मिथ के हिसाब से अनुबिस को ओसीरिस और नेफ्थियस का नजायज बेटा माना जाता है, क्योंकि नेफ्थियस ने अपने आप को आइसिस में बदल कर ओसीरिस को शराब पिला दी और उसकी इस हालत का फायदा उठाकर ओसीरिस के नजदीक चली गई, जिससे उनके इस नजायज रिश्ते से अनुबिस का जन्म हो गया। पर सोलर सिंथेसिस की थ्योरी के हिसाब से रा को अनुबिस का पिता कहा जाता है। एक और थ्योरी के हिसाब से जब नेफ्थियस ने अपने नजायज बेटे अनुबिस को छोड़ दिया तो आइसिस ने अनुबिस को अपना कर उसे अपना नाम दे दिया। इन थ्योरी से ये मिथ क्लियर होता है कि अनुबिस का कोई भी कंफर्म फादर या मदर नहीं है, बस उसकी एक डॉटर है किबेचेट, जिसका सिर सांप जैसा है। शुरुआती दिनों में अनुबिस को गॉड ऑफ डेड ही माना जाता था, पर ओसीरिस के पावर में आने के बाद ये रूल उसके हाथों से चला गया। अब अनुबिस का काम डेड सोल को गाइड करना, ममिफिकेशन के प्रोसेस को समझाना और टॉम्स को प्रोटेक्ट करना रह गया। इसके साथ ही अनुबिस मून गॉड थॉट के साथ सबसे इम्पोर्टेंट काम वेइंग सेरेमनी किया करता था, जिसमें डेड सोल के हार्ट को गॉडेस मात के फेदर के साथ तोला जाता था। अगर हार्ट फेदर से भारी होता था तो उसे पापी समझकर भयानक जानवर एमिट के आगे खाने के लिए फेंक दिया जाता था, पर अगर फेदर हार्ट से ज्यादा भारी होता था तो उसे एक प्योर सोल मानकर हेवन में भेज दिया जाता था। दोस्तों, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर पसंद आ रही होगी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। पेंटिंग्स और डेड टोम्स की स्टोन कार्विंग में अनुबिस की पिक्चर को एक प्रोटेक्टिव साइन की तरह देखा जाता था, क्योंकि उस समय सियार और कुत्ते जमीन के नीचे दबी लाशों को बाहर निकाल कर खा जाते थे, जो इजिप्शियन के लिए काफी शर्मनाक बात थी, क्योंकि इजिप्शियन के हिसाब से हर इंसान और देवता की मौत के बाद भी एक लाइफ होती थी, जिसे भी पूरे सम्मान से जीना हर किसी के हक का होता था। इसलिए तो वो मरने के बाद वाले रिचुअल को पूरे नियम के साथ निभाते थे और मरे हुए शख्स की कब्र में वो सारी जरूरत की चीजें रख देते थे जिनकी उन्हें जरूरत पड़ती। अनुबिस की गॉड ऑफ ममिफिकेशन बनने की स्टोरी भी काफी अमेजिंग है, जिसके हिसाब से जब सेथ ने ओसीरिस की बॉडी के 14 पीसेस करके फेंक दिए, तब अनुबिस ने उन्हें कलेक्ट करके अरेंज कर दिया, जिससे अनुबिस ने ममिफिकेशन के प्रोसेस को इन्वर्ट कर दिया। पर उनके इस रिचुअल के दौरान सेथ ने एक बार फिर अपने ब्रदर ओसीरिस की बॉडी पर लेपर्ड बनकर अटैक कर दिया, जिसे रोकने के लिए अनुबिस ने लोहे की रॉड से लेपर्ड की स्किन को छेद दिया और उतार कर खुद पहन लिया, इस सिंबल के तौर पर कि अगर कोई भी अनुबिस के होते हुए डेड पर्सन की बॉडी को हाथ लगाने की कोशिश करेगा तो उसका क्या हाल होगा। अनुबिस के बाद उनके वर्शिपर्स उनके जैसे हेलमेट को पहनकर ममिफिकेशन के प्रोसेस को पूरा करने लगे। तो दोस्तों, ये थे अनुबिस, गार्डियन एंड प्रोटेक्टर ऑफ द डेड, जिन्होंने अपनी ड्यूटी को बहुत ही कुशलता से ईमानदारी के साथ निभाया। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।